हेलो फ्रेंड, वेलकम माय यूट्यूब चैनल गंगा सागर ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। गंगा और सागर का प्यार भरा नमस्कार पूरे यूट्यूब फैमिली को। कैसे हैं आप लोग? आज दो तीन दिन से एक चैनल देख रही हूँ, आज तीन या चार दिन हो चुके हैं लगातार मेरे ऊपर वीडियो बनाई जा रही है मेरे चैनल के ऊपर। और फाइनल मैं बताऊंगी कि क्या हुआ था, क्यों वीडियो बनाई जा रही है। तो टॉपिक अभी भी चेंज नहीं हुआ, मैं गई थी कुछ टाइम घूमने और आप लोगों को जैसे कि मैंने बताया भी था तो मैं ब्लॉग किसी का भी देख रही थी, अब आ गई हूँ तो आप देख रही हूँ। तो एक्चुअली में क्या हुआ कि मैंने उन्हें कमेंट किया हुआ था और उन्होंने एक वीडियो बनाया हुआ था, तो कहते हैं कि फर्स्ट कमेंट करो, फर्स्ट लाइक करो, कम्युनिटी में शेयर करूँगा, इसमें शेयर करो, कहता है ठीक है। लेकिन उसके बावजूद जब मैंने उन्हें कमेंट किया था उसके बावजूद मेरे हस्बैंड ने भी शायद, क्योंकि हम लोगों का होता है कि ये अलग जगह वीडियो देख लेते हैं, मैं घर पर देख लेती हूँ क्योंकि ये भी देखते हैं, हम दोनों तरफ वॉच करते हैं। तो इन्होंने देखा तो इन्हें लगा क्या, आज तो मुझे भी लग रहा है कि शायद हकीकत ही है, तो इन्हें लगा कि ये हमारे ऊपर बनाई गई है। तो हमारे ऊपर बनाने का मतलब ये है कि इन्होंने कमेंट किया था और कमेंट जैसे कि मेरी यूट्यूब फैमिली आप देख सकते हैं मैंने क्या कमेंट किया था उसके उसमें और उनके उसमें। और दूसरी बात, आप मैं उनका चैनल डाल रही हूँ, आप देख सकते हैं कमेंट हर कोई करता है, ठीक है। बात एंड होगी, एंड क्या होगी, ठीक है। नेक्स्ट डे उनका फिर एक ब्लॉग आया, वीडियो आया कि गंगा सागर के चमचो। तो कोई किसी का चमचा नहीं होता है सिस्टर, मैं आपसे कह दूं, क्योंकि ये यूट्यूब है, जिसको हमारा कंटेंट अच्छा लगे वो हमारी वीडियो देखेगा। और जैसे कि सिस्टर ने बोला था परसों के वीडियो में कि मुझे गाली देने को मन कर रहा है, सिस्टर ऐसी क्या कमेंट कर दिया जो गाली, जब मैं कमेंट पढ़ी थी वाला तो ऐसा उल्टा कमेंट भी नहीं किया था, उसमें यही बोला था कि आप फर्स्ट कमेंट करें, आपसे ज्यादा हम मेहनत कर रहे हैं और आप भी मेहनत करें, हम आपके साथ हैं, ऐसा तो नहीं बोला था कि कोई उल्टा आप फर्स्ट कमेंट करें बोला था। मैं मानती हूँ आप फर्स्ट कमेंट नहीं कर सकते हैं, हम ये भी समझते हैं, लेकिन एक बात बताइए, आज मेरे माइंड में बात आई कि आप बताइए, जैसे बड़े यूट्यूबर बोलते हैं कि आप फर्स्ट कमेंट करें हम आपका प्रमोशन करेंगे ये वो, तो बड़े यूट्यूबर अगर हमारे इसमें कमेंट भी कर दे, यानी हमारे कमेंट को भी लाइक कर देना, तो समझ जाएंगे कि आकाश से भगवान स्वयं हमारे घर आ गए हैं। चार दिन से आप लगातार हमारे ऊपर ब्लॉग बना रहे हैं ना, जो तो रियल में लग रहा है कि ये जो पहला वाला ब्लॉग था वो हमारे ऊपर ही था। और जहां तक कि कमेंट की बात है, आपके उसमें भी ऑडियंस ने कमेंट किया होगा कि सिस्टर आप सही कह रहे हैं, किसी ने बोला होगा कुछ भी, मतलब अच्छे से अच्छे कमेंट किया होगा, आपको डिमोटिवेट किसी ने नहीं किया होगा, मोटिवेट ही किया होगा। तो वही मोटिवेट मुझे भी किया था मेरी यूट्यूब फैमिली ने, और जो यूट्यूब फैमिली ने मुझे कमेंट किया होगा वही यूट्यूब फैमिली ने आपको भी कमेंट किया होगा, देखना। तो ऐसा यूट्यूब फैमिली के बारे में ना बोले सिस्टर, क्योंकि ये यूट्यूब फैमिली है, हम एक दूसरे के बगैर आगे नहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि हमने चैन है। और हम मतलब मैं जब आपसे बात की थी, मेरे हस्बैंड आपसे बात करें, हमने आपसे बात भी करी है इंस्टाग्राम पे, और हमने कोई गलत कमेंट नहीं किया है। मेरे यूट्यूब फैमिली प्लीज कमेंट देख लेना क्या कमेंट किया हुआ है हमने इनके पहले वाले वीडियो में, जहां से हमारी वीडियो आज स्टार्ट हो रही है। तो देखो कहीं कोई घूमने जाता है आप, मतलब हम भी कमेंट कर देते, क्यों करते हैं, हम सोचते हैं कि हमें लगा, मेरे हस्बैंड को रियल में लगा, क्योंकि उन्होंने पूरा वॉच किया। और गाली देने को मन करता है, कोई भी हो किसी को भी गाली मत दो, देने को क्या मन करता है, मुझे भी आज चार दिन से मेरे ऊपर वीडियो बनाई जा रही है, गाली देने को मेरा मन नहीं कर रहा है। मुझे आप बहुत मोटिवेट मिला आपकी वीडियो से, चार दिन से आप वीडियो बना रही है बहुत मोटिवेट, यानी यूट्यूब पे मेरा फेस आ रहा है गंगा सागर का। तो आपने ये सोचा कि चलो गंगा सागर का फेस दिखाती हूँ लोगों को कैसा है, तो वो तो यूट्यूब फैमिली जानते हैं हमारे, और मेरे जो भी यूट्यूब फैमिली मेरी वीडियो देख रहे हैं वो देखते हैं कि गंगा दीदी कैसी बात करती है। मैं किसी के बारे में बुरा नहीं सोचती सिस्टर, आज तक मेरा रिकॉर्ड है, मेरे शायद भगवान ने यूट्यूब पे मुझे इतनी सफलता शायद इसीलिए दी है, मैं किसी के बारे में बुरा नहीं सोचती। यही वीडियो अगर मेरे हस्बैंड बोलते या बनाते तो शायद उनसे कुछ कहा भी जाता, तो इसीलिए वीडियो मैं बना रही हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती मेरी यूट्यूब फैमिली कहीं भी डिस्टर्ब हो। तो सिस्टर मेहनत करें और मेहनत आपको जरूर मिलेगा, मैं ये नहीं कह रही हूँ, मेहनत करोगे तो फल जरूर मिलेगा। और जहां तक वीडियो का सवाल है, इन्होंने ये बोला था कि हमने 8 महीने में 300 से ऊपर वीडियो अपलोड कर दी है और इन्होंने 200 से नीचे, तो इन्होंने जो भी कहा सिस्टर ने कि मैंने डिलीट कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया, तो वो या आपकी गलती है, जो भी है, डिलीट तो नहीं करना चाहिए था। लेकिन हमने एक बात रखी कि आप जितना वीडियो अपलोड करोगे यूट्यूब भी देखता है कि कितना मेहनत कर रहा है बंदा, यूट्यूब भी देखता है। और तो बाकी क्या कहें, आप काफ़ी समझदार हैं और आपकी बातों से भी लगता है कि आप काफ़ी समझदार हैं। तो धन्यवाद सिस्टर आपके, मतलब जो चार दिन से वीडियो अपलोड करें मुझे बहुत मोटिवेट मिला, मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ आपके तहे दिल से। तो अपने यूट्यूब से फैमिली से भी कहती हूँ कि तहे दिल से इन सिस्टर का धन्यवाद करें जिन्होंने गंगा सागर ब्लॉग्स में इतने अच्छे वीडियो बनाई है। जय हिंद जय भारत। मैं जब मुझे 8 महीने इस यूट्यूब पे आए हुए होंगे, तो मैंने जब से वीडियो स्टार्ट किया है मेरे अगल बगल जो भी हैं, आज मैं काफ़ी टाइम पिकनिक बना के घर आई हूँ, मुझे पहाड़ में ही मेरे इतने बड़े यूट्यूबर फैन मिले कि छोटे से लेके बड़े से
बुजुर्ग से, तो बोले आप गंगा जी हैं। मैंने कहा हाँ, बहुत अच्छा लगा, वो मेरे चैनल देखते हैं। लेकिन जहां तक प्रमोशन की बात है, हमने कभी मना नहीं किया है। मैं एक बात बता रही हूँ आपको, प्रमोशन में खुद ही डिमोटिवेट हुई थी बीच में, अभी तक यूट्यूब से मेल नहीं आया है जैसे कि आप लोगों को पता है। तो फिर भी हम ये नहीं कह रहे हम किसी को प्रमोशन नहीं करेंगे या फिर नहीं हो करेंगे। लेकिन आज फिर उनका एक वीडियो अपलोड आया है, मैं देखी हूँ अभी शाम को, मैं थकी हारी आ रही हूँ फिर भी वीडियो देख रही हूँ। मैं जो मेरे हाथे लग जा रहे हैं मैं देखते जा रही हूँ कि चलो कमेंट कर दूं, तो मुझे लगा इनका वीडियो क्या आया है। तो आज एक यूट्यूब फैमिली यानी जो हमारी छोटी सी फैमिली है उन पर वीडियो बनाया गया है, तो जिसमें मेरे हस्बैंड ने कम्युनिटी लगाई थी यानी कि कमेंट किया हुआ था, तो उसमें लिखा हुआ है, काफ़ी लोगों ने अच्छा मतलब जवाब दिया है, मतलब बोला है कि दीदी आप टेंशन ना लें, आप अपने फोकस करें। वो हर कोई बोलता है, सिस्टर मैं आपसे एक बात कहती हूँ, आज चार दिन से आप मेरे ऊपर ब्लॉग बना रहे हैं, तो आप एक बात बताइए, आपके पास भी ऑडियंस आए होंगे, वो भी आपसे यही बोल रहे होंगे बहुत अच्छा है, बिल्कुल सही कह रही हैं सिस्टर, काफ़ी लोगों ने कहा होगा। लेकिन मैं ऑडियंस तक नहीं जाऊँगी, वो एक फैमिली है, और फैमिली हम फैमिली का हिसाब यह है कि हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। जहां तक हम फैमिली पे घुस गए, तो मैं जहां तक मेरा आइडिया है, तो मेरा क्या किसी का भी चैनल आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि वो फैमिली ही हमें आगे बढ़ाने वाली है। और जहां तक सिस्टर आपने एक पहले वाला जो वीडियो बनाया था, हमारी कोई इतनी बड़ी यूट्यूब फैमिली नहीं है, छोटी सी यूट्यूब फैमिली है जहां पे 500 600 700 व्यूज आते हैं, उतने लोग हमें देखते हैं, उतने लोगों में से आधे लोग ब्लॉग नहीं बनाते हैं, और आधे लोग जो घर के होते हैं वो देखते हैं, जो बाहर के होते हैं, जो हमारे रिश्तेदार होते हैं वो देखते हैं, तो यूट्यूब जो फैमिली है वो भी देखती है। तो आप एक बात बताइए आप यूट्यूब फैमिली पे क्यों जा रहे हैं? मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ सिस्टर कि आप यूट्यूब फैमिली में मत जाइए। कोई किसी को अगर मोटिवेट के लिए कमेंट करता है, देखो मैं हूँ, मैंने आज आपका ब्लॉग देखा, अगर आपको मेरे को आपकी बातें अच्छी लगी तो मैं आपसे यही लिखूंगी, सिस्टर आपने बहुत अच्छी बात कही। अगर मुझे लगेगा कि यहाँ पे गलत है तो मैं जरूर लिखूंगी, सिस्टर शायद कहीं ना आप सोचेगा। तो आपने आज मतलब YouTube फैमिली, उसमें काफी लोगों ने मुझे कमेंट किए हैं, वही फैमिली आपकी भी है, वही मतलब जो कमेंट करते हैं वो आपको भी कमेंट करते हैं, आप ये भूल रही हैं, मेरी जो YouTube फैमिली मुझे कमेंट करती है वो आपको भी करते हैं। तो मैं एक बार चैनल का नाम बताना चाहूंगी, चैनल का नाम है ममता क्रिएशन एंड ब्लॉग्स ब्लॉग। तो ये ममता जी हैं, और ममता जी मेरे शायद आपसे इंस्टाग्राम पे बात भी हुई थी, बात करके बहुत अच्छा लगा। बट मैंने जो कमेंट किया था, मेरे हस्बैंड आपको कमेंट किया था, सोच समझ के कमेंट किया होगा, कोई भी बिना वॉच के, और मेरी आदत यह है मैं बिना वॉच के किसी को कमेंट नहीं करती, चाहे कोई भी हो, और मेरी कोई आपसे नाराजगी नहीं है ना मेरे हस्बैंड की है। लेकिन आज चार दिनों से आज मेरे ऊपर वीडियो बनाती, मुझे कोई परेशानी नहीं थी, ठीक है आपको हमसे जो भी दिक्कत है वो हम समझते हैं, लेकिन आज आपने ऑडियंस के ऊपर भी वीडियो बना दिया, ताकि जिन्होंने मुझे कमेंट किए थे उनके ऊपर भी वीडियो बना दिए। तो हमने क्या किया, आपने ब्लॉग बनाया, हमने एक कम्युनिटी पर पोस्ट किया कि ये चैनल ने ऐसा कहा, तो बात वही तक थी, तो आपने राय का पहाड़ बनाया। देखो किसी को मोटिवेट करने के बजाय आपने मुझे और डिमोटिवेट किया, और मुझे मैं वीडियो में इसलिए नहीं आती, मैं अपने हस्बैंड से कहती आप शूट करो, लेकिन आज मैं इसलिए आई। शाम को मैं जब घर आई, मैंने देखा ऑडियंस तक एक बात पहुंच रही है, ऑडियंस को भी घसीटा जा रहा है, ऑडियंस को भी लाया जा रहा है, जो ऑडियंस कमेंट करते हैं उनके उसमें भी, मेरे उसमें भी। और दूसरी बात मुझे इस बात पर कि गंगा सागर ब्लॉग्स के चमचो, ये क्या है, कोई किसी का चमचा नहीं होता, जो देखता है जिसको अच्छा लगेगा वही देखेगा ब्लॉग। आप ये मत सोचिए कि मेरा ब्लॉग कोई नहीं देख रहा, दो साल से मेहनत कर रही हूँ। देखो YouTube पे बहुत सब्र करना पड़ता है, शायद जो मैंने आज आप वीडियो देखी ना, मुझे इतना गुस्सा आया था ना कि ऑडियंस तक तो मैं कह नहीं सकती, लेकिन मैं आज धैर्य से रख रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे उस मुकाम तक पहुँचना है जहाँ तक धैर्य से चलना है। और अपनी YouTube फैमिली को भी यही कहूँगी कि धैर्य से चलें, कोई आपके ऊपर वीडियो बनाए ये ना सोचें, ये सोचें कि शायद आप आगे बढ़ें तो पीछे वीडियो बहुत बनेगी आपकी, आप टेंशन ना लें। लेकिन वीडियो बनाने का यही कारण था, आपने बहुत डिमोटिवेट किया, ऑडियंस से समझ जाइए, ऑडियंस को कोई मतलब, ऑडियंस ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया, मुझे भी दिया होगा, आपको भी दिया है, जितना भी दिया है आपके कमेंट भी पड़े होंगे, आपने भी मेरे कमेंट पढ़े हैं कि ऑडियंस ने बोला है, तभी आपने ऑडियंस से महान पुरुष महान जो भी बोला। तो छोड़िए ये बात, मैं आप यहीं पे एंड करती हूँ। तो आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, आगे बढ़िए, और हम आपसे कोई शिकायत गिरवा नहीं है, और ऑडियंस को बीच में मत लाइए, क्योंकि ऑडियंस आपकी भी है मेरी भी है, ये दो फैमिली है हम दोनों की। तो आगे बढ़िए, मेहनत करिए, मेहनत का फल जरूर मिलेगा, शायद मैंने भी दो साल से मेहनत किया, आज 8 महीने में ही मुझे मेहनत का फल मिला, और टेक चैंपियन भैया मेरे घर आए, ऐश्वर्या मैम ने मुझे इतना इज्जत दी, इतनी रिस्पेक्ट दी, मतलब मेरे उत्तराखंड से तो दोनों बिलोंग नहीं करते हैं, वो बाहर के हैं, जहाँ तो उत्तराखंड उन्होंने देखा ही नहीं होगा, तो अभी तक तो टेक ऐश्वर्या जी ने मेरा उत्तराखंड देखा भी नहीं है। तो यही मैं कहना चाहती हूँ आपसे, धैर्य से काम लें और सब्र से लें, कोई आगे बढ़ रहा है तो उसको मतलब डिमोटिवेट ना करें,
बाकी कुछ नहीं कहना चाहती हूँ सिस्टर, आपने बहुत अच्छी वीडियो बनाई, बहुत अच्छा लगा वीडियो देख के आपका। उम्मीद करती हूँ कि आपका साथ और हमारा साथ बने रहे। जय हिंद, जय भारत।